नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। पुलवामा अटैक, जी हां, वही पुलवामा अटैक जो 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ था, जिसमें भारत के कई जवान शहीद हो गए थे। यह हिंदुस्तान के लिए वो काला दिन है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब इस अटैक पर अमेरिका ने भारत पाकिस्तान को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है, और ये दावा करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हैं, जिनका दावा है कि फरवरी 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ और जवाब में भारत की तरफ से बालाकोट स्ट्राइक की गई, तब भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध की कगार पर आ गए थे। उन्होंने बताया कि तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनसे कहा था कि पाकिस्तान स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था और भारत भी इसकी आक्रामक प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहा है। बता दें, इस परमाणु युद्ध का जिक्र माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिवन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में किया है, जहां पोम्पियो ने बताया कि इस घटना के समय 27-28 फरवरी को वह अमेरिका उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के लिए हनोई में थे और दोनों देशों में परमाणु टकराव टालने के लिए उनकी टीम ने रात भर भारत और पाकिस्तान से बातचीत की। पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान की दुश्मनी परमाणु युद्ध में बदल सकती थी। बता दें कि भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने किताब में जिक्र किया है कि वह उस रात को कभी नहीं भूल सकते। पहले उन्होंने परमाणु हथियारों पर उत्तरी कोरिया के नेताओं से बातचीत की और फिर रात भर भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध टालने में जुटे रहे। पोम्पियो बताते हैं कि हनोई में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात करने के लिए वो नींद से जग गए। भारतीय विदेश मंत्री को पाकिस्तान द्वारा परमाणु युद्ध की तैयारी करने की आशंका थी। हालांकि दावा किया गया है कि इस किताब में सुषमा स्वराज को गलती से शी की बजाय ही लिखा गया है। फिर पोम्पियो ने इस बारे में पाकिस्तान में सत्ता के असली केंद्र वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से बातचीत की। बाजवा को लगता था कि शायद भारत परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा था। आखिरकार दोनों देशों के बीच गलतफहमी सुलझ गई और पोम्पियो के दावों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की। पोम्पियो ने यह भी उल्लेख किया कि भारत से मजबूत संबंध बनाना उनके कार्यकाल की प्राथमिकता थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।